नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे जियो बीपी कंपनी के पेट्रोल पंप डीलरशिप के बारे में, या फिर जानेंगे कि किस प्रकार से आप जियो बीपी कंपनी से मिलकर अपना पेट्रोल पंप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कितने इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, या फिर इसके लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, क्या प्रोसेस रहेगी, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, कितना आपका प्रॉफिट हो सकता है, इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेंगे पेट्रोल पंप के बिजनेस के बारे में, या फिर जियो बीपी कंपनी के बारे में। तो दोस्तों आपको पता है पेट्रोल पंप का एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर लोग दिन रात पैसे कमाते हैं, क्योंकि दोस्तों पेट्रोल और डीजल के बिना कुछ नहीं है। जितनी भी सड़कों पे गाड़ियां चलती है, टू व्हीलर फोर व्हीलर, सभी पेट्रोल डीजल से चल रही है। लेकिन आज धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक गाड़ियां या फिर सीएनजी गाड़ियां की मार्केट भी अच्छी खासी चल रही है। लेकिन दोस्तों जो भी बड़े ट्रक होते हैं या फिर बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया होता है जिसके अंदर पेट्रोल डीजल की अच्छी खासी डिमांड रहती है, इसलिए दोस्तों पेट्रोल डीजल के अंदर भी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और दोस्तों धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि दोस्तों जैसे व्हीकल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे पेट्रोल डीजल की डिमांड बढ़ रही है। इसलिए दोस्तों बहुत सारी कंपनियां जो पेट्रोलियम के अंदर काम करती है, इन्हीं में से एक दोस्तों रिलायंस कंपनी थी, लेकिन आज वो कंपनी जियो बीपी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि दोस्तों जियो और ब्रिटिश पेट्रोलियम मिलकर अपने पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश कर रही है। और जो पहले रिलायंस के नाम से पेट्रोल पंप चलते थे वो अब जियो बीपी के नाम से चलते हैं, और ये कंपनी दोस्तों रिलायंस का ही पार्ट है, यानी सब्सिडियरी कंपनी है जो ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ काम करती है। और दोस्तों ये कंपनी एक ऐसा मॉडल लेके आई है जिससे आने वाले समय के अंदर यदि आप पेट्रोल पंप ओपन करते हैं तो आपका पेट्रोल पंप नुकसान में नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अब कंपनी पेट्रोल पंप के ऊपर आपको एक तो पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश करके देती है, दूसरा सीएनजी पंप या फिर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, दूसरा एक ग्रोसरी स्टोर या फिर कैफे, ऐसे बहुत बड़ा एक कॉम्बो आपको देती है, जिससे यदि कोई पर्सन यदि पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश करता है कंपनी का तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटीज होती है कि आने वाले समय के अंदर उसको कोई भी नुकसान ना हो और उसका बिजनेस अच्छे तरीके से चले। तो दोस्तों यदि कोई पर्सन जो आने वाले समय को देखते हुए अपना एक अच्छा पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश करना चाहता है तो वह जियो बीपी कंपनी से कॉन्टेक्ट करके कंपनी के साथ जुड़ सकता है और अपना एक पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश कर सकता है। सबसे पहले बात आएगी दोस्तों यदि कोई पर्सन जो अपना पेट्रोल पंप सीएनजी पंप या फिर ईवी चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करना चाहता है तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले वो पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 21 वर्ष से 55 वर्ष के बीच एज होनी चाहिए, और आवेदक कम से कम 10th या प्लस 2 पास होना चाहिए। आवेदक के पास ऑन रोड जमीन होनी चाहिए, अपने सभी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, आवेदक के पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए पेट्रोलियम बिजनेस के अंदर, और आवेदक के पास अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये कोई बिजनेस 1-2 लाख का नहीं है, ये करोड़ों का बिजनेस है, तो इस बिजनेस के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और सबसे ज्यादा दोस्तों इस बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप चलती है, क्योंकि इसके अंदर 1 या 2 पार्टनर मिलकर ये अपना पंप एस्टैब्लिश करते हैं और फिर धीरे धीरे अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं, जिससे वो सिंगल सिंगल पार्टनर बन जाते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा दोस्तों, कोई पर्सन यदि अपना एक अच्छा पेट्रोल पंप या फिर सीएनजी पंप या फिर ईवी चार्जिंग स्टेशन एस्टैब्लिश करना चाहता है तो। पर अब बात आई दोस्तों दी आप अपना एक पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों दी आप अपना एक पेट्रोल पंप सीएनजी पंप या ईवी चार्जिंग स्टेशन का एक कॉम्बो पैक लगाना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यही है, 2 से 5 करोड़ के बीच इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आपके पास ऑन रोड जमीन होनी चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप सिटी के अंदर अलग जमीन की रिक्वायरमेंट होगी और ऑन हाईवे अलग जमीन की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद दोस्तों आपके पास अपने पर्सनल और जमीन के सभी डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। पर्सनल दोस्तों मान लो आपके पास आईडी प्रूफ के तौर पर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और जमीन के बहुत सारे डॉक्यूमेंट है वो हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद दोस्तों आपके पास अच्छा वर्कर का स्टाफ होना चाहिए, आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी, वो हम आपको आगे बताएंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपके पास आपकी जमीन के ऊपर अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, अच्छी वाटर सप्लाई की फैसिलिटी होनी चाहिए, ऐसे सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप किसी कंपनी से कॉन्टेक्ट करके अपना एक अच्छा ईवी चार्जिंग स्टेशन पेट्रोल पंप सीएनजी पंप एस्टैब्लिश करके अपना एक बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। अब बात आई दोस्तों दी आप अपना एक पेट्रोल पंप ईवी चार्जिंग स्टेशन या फिर सीएनजी पंप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों दी आप अपना एक अच्छा सीएनजी पंप ईवी चार्जिंग स्टेशन या फिर पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपकी जमीन के ऊपर डिपेंड करेगी। मान लो दोस्तों आपके पास खुद की जमीन है ऑन
ऑन रोड के ऊपर, एक या दो एकड़ आपके पास अच्छी जमीन है ऑन रोड ऑन हाईवे के ऊपर। उसके बाद दोस्तों आपको कंपनी से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, आप इंडियन ऑयल या फिर एचपी भारत पेट्रोलियम, जो प्राइवेट कंपनियां हैं नायर एनर्जी, रिलायंस पेट्रोलियम या फिर सेल पेट्रोल, इन कंपनी से कॉन्टेक्ट करेंगे तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट कंपनी थोड़ी सी कम इन्वेस्टमेंट आपसे करवाएगी। तो दोस्तों मान लो आप जीओबीपी कंपनी से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद दोस्तों कंपनी आपसे डीलरशिप फीस लेगी। वो दोस्तों कंपनी आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप क्या क्या चीजें लगाना चाहते हैं अपने पेट्रोल पंप के ऊपर। दोस्तों उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी, डीलरशिप फीस कंपनी आपको बता देगी 40 लाख लेगी, 50 लाख लेगी, कितने रुपए लेगी, आपसे कंपनी डीलरशिप की फीस लेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको अपने पेट्रोल पंप के ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना पड़ेगा, आपको ऑफिस बनवाना पड़ेगा, आपको रेस्टोरेंट के लिए अलग से बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, ऐसे पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको मशीनें खरीदनी है, कंपनी आपको मशीनें प्रोवाइड करेगी, यदि आप कंपनी को इन्वेस्टमेंट या फिर पेमेंट प्रोवाइड करेंगे तो कंपनी ही आपको सभी प्रकार की मशीनें अवेलेबल करा देगी। उसके बाद दोस्तों आपको स्टाफ हायर करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना है, आपको सभी डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी है, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं और भी छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट हम बता दें दोस्तों आपको कम से कम 2-5 करोड़ रुपए के बीच करनी पड़ेगी, ये कॉम्बो पैक यदि आप अपने पेट्रोल पंप के ऊपर एस्टेब्लिश करवाएंगे तो कम से कम 2-5 करोड़ रुपए है, तभी आप अपना एक ये कॉम्बो पैक लगा सकते हैं, सीएनजी पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशन और पेट्रोल पंप का। आप डायरेक्ट जियो कंपनी से, जीओबीपी कंपनी से कॉन्टेक्ट करके यदि आपके लोकेशन के ऊपर पहले पेट्रोल पंप नहीं है और एडवर्टाइजमेंट आई है और आपने अप्लाई किया है तो आपको कंपनी डीलरशिप के लिए बुला लेगी और आप कंपनी से कॉन्टेक्ट करके अपना पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले आपको यही बात बता दें दोस्तों, जब तक आपकी लोकेशन के ऊपर कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं निकालती तब तक आप कोई पेट्रोल पंप नहीं लगा सकते। इसलिए दोस्तों पहले एडवर्टाइजमेंट चेक करें, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आई है तो अप्लाई करें, अप्लाई के अंदर आपका ड्रॉ निकलता है तभी आपको पेट्रोल पंप की डीलरशिप मिलेगी, वरना दोस्तों इसके अंदर फ्रॉड चलता है। तो आप ऐसे किसी फ्रॉड में ना आए और पहले चेक करें प्रॉपर फिजिक्स सब कुछ सही है तभी आप इसके लिए अप्लाई करके अपने एक अच्छा पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब बात है दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपनी का ईवी चार्जिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो दोस्तों आपको बता दें यदि आप किसी शहर के अंदर पेट्रोल पंप और ये कॉम्बो पैक लगा रहे हैं तो आपको कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। आप 800 स्क्वायर फीट से 1600 स्क्वायर फीट के बीच अपना एक पेट्रोल पंप और ये कॉम्बो पैक लगाकर अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी ऑन हाईवे के ऊपर अपना सिस्टम लगाएंगे और कॉम्बो पैक स्टार्ट करेंगे तो आपको कम से कम 1200 से 2000 स्क्वायर फीट स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी कम से कम। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जितनी ज्यादा जमीन होगी उतने ज्यादा खुले में आप अपना पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप और ईवी चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा व्हीकल पार्किंग की जगह देंगे और रेस्टोरेंट के लिए अलग से जगह देंगे और व्हीकल के पार्किंग के लिए अलग से जगह देंगे तो आपको कम से कम 1 से 1.5 एकड़ या फिर 2 एकड़ तक जमीन की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आप अपना एक अच्छा ही इतना बड़ा कॉम्बो पैक लगाकर बड़ा बिजनेस सेटअप कर पाएंगे। लेकिन कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, जैसे 1200 स्क्वायर फीट, 1600 स्क्वायर फीट फ्रंट के लिए, 350-350 स्क्वायर फीट अलग, ऐसे अलग अलग रिक्वायरमेंट है दोस्तों। वो आपको कंपनी से पता चलेगी कि आपको कंपनी फ्रंट के ऊपर कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट मांगती है और इंटरनल के लिए कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट मांगती है, या फिर रेस्टोरेंट के लिए कितने, या फिर सीएनजी पंप के लिए कितने, ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए कितनी पार्किंग जगह मांगती है, पेट्रोल पंप की मशीनों के लिए कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे अलग अलग कॉम्बो के लिए अलग अलग स्पेस आपको कंपनी बता देगी। जब आपकी जमीन सर्वे के ऊपर जाएगी तो कंपनी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगी, यदि आपके पास प्रॉपर स्पेस होगा जो आपकी जमीन है उसके ऊपर आपको ये कॉम्बो पैक लगाकर यानी पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप और ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा के देगी और आप अपना एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। कितने, अब बात है कि दोस्तों दी आप किसी भी कंपनी का पेट्रोल पंप या फिर सीएनजी पंप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो इसके अंदर आपको बहुत से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपके पास अपनी आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, या फिर आपके पास अपनी इनकम का प्रूफ होना चाहिए, आपके पास अपनी रेजिडेंस का प्रूफ होना चाहिए, आपके पास अपनी एज का प्रूफ होना चाहिए, या फिर आपके पास अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऐसे पर्सनल डॉक्यूमेंट सभी होने चाहिए। उसके बाद बात आती है आपके पास यदि आपने जमीन खरीदी है या फिर आपके पास जो जमीन है उसके डॉक्यूमेंट की बात, आपके पास अपनी जमीन के प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यदि आपके पास खुद की जमीन है, यदि आपकी जमीन किसी रिश्तेदार के नाम है तो उससे आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, यदि आपने जमीन खरीदी है तो उसके सेल डीड आपके पास होने चाहिए, जमीन लीज पर ली है तो आपके पास उस जमीन के लीज डीड होने चाहिए, ऐसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें दोस्तों, यदि आपकी जमीन एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको आपको नॉन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों ऐसे आपकी जमीन कन्वर्ट नहीं होगी, पहले कन्वर्ट करवानी पड़ेगी, उसके लिए आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दोस्तों उसके बाद आपको बहुत से डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों आपको फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी, आपके पास जो लोकल अथॉरिटी है आपके पास उससे लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको एनएसएआई से एनओसी लेनी
पड़ेगी, आपको वन विभाग से एनओसी लेनी पड़ेगी, आपको विस्फोटक विभाग से एनओसी लेनी पड़ेगी, आपको पुलिस डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी और इसके साथ आपको पीईएसओ लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसी से आपको डीसी से आपके एरिया के अंदर जो भी डीसी है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे सभी से आपको लाइसेंस और एनओसी लेने पड़ेंगे, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा और ऐसे बहुत सारे लाइसेंस और एनओसी के साथ आप अपने पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लाइसेंस और एनओसी आपको लेनी पड़ेगी तभी आप अपना एक अच्छा पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप और ईवी चार्जिंग स्टेशन रन कर सकते हैं और अपना एक बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, आपको सभी एनओसी डॉक्यूमेंटेशन और जो भी जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट है हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर बताया है, आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। अब बात आई दोस्तों की आप किसी भी कंपनी का पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप या फिर ईवी चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे? तो दोस्तों आपको बता दें, वैसे तो बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइटें चलती है, उन फ्रॉड वेबसाइट से आपको बच के रहना है। आपको दोस्तों कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट को ही चेक करना है, एक न्यूज़पेपर को चेक करते रहें, एक ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें। जब कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकालती है उसी टाइम आपको टाइम दिया जाएगा एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लेने हैं, जो जो वहां सबमिट करने हैं। सभी डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद जब एडवर्टाइजमेंट आ जाए उस टाइम कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है। वहां से एप्लीकेशन करने के बाद दोस्तों जब आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी फिर दोस्तों कंपनी कुछ दिन के बाद विड्रॉ निकालेगी। ड्रॉ के अंदर दोस्तों यदि आपका नाम आता है यानी आपकी जमीन सैंक्शन होती है यानी आपकी जमीन ड्रॉ के अंदर निकलती है तो कंपनी आपसे कांटेक्ट कर लेगी, फिर सर्वे होगा, फिर सर्वे होने के बाद सभी प्रोसेस आपको बताई जाएगी, फिर आपको फ्रेंचाइजी यानी डीलरशिप की फीस आप कंपनी को सबमिट करेंगे, फिर कंपनी आपकी जमीन के ऊपर यदि सब कुछ सही है तो मशीनों के लिए एप्लीकेशन देगी और फिर आपको मशीनें दी जाएगी, फिर आपको कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना है और कंस्ट्रक्शन वर्क के बाद सभी मशीनें कंपनी आपके एस्टैब्लिश करके देगी और आपकी लोकेशन के ऊपर एक अच्छा पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करके कंपनी दे देगी। दोस्तों जितनी कंपनी को आपको इन्वेस्टमेंट करोगे उतना काम आपको कंपनी करके दे देगी। इसके लिए दोस्तों कंपनी बहुत सारी सपोर्ट करती है, वो हम आपको आगे बता देंगे कंपनी क्या क्या सपोर्ट करेगी। जब तक दोस्तों आपका पेट्रोल पंप रन होना स्टार्ट हो जाए तब तक दोस्तों कंपनी आपको सपोर्ट करती रहेगी और आपका पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करके कंपनी देगी। लेकिन दोस्तों आप फ्रॉड वेबसाइट से बच के रहें, जब तक कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन ना मिले तब तक आप अप्लाई ना करें और एडवर्टाइजमेंट आने के बाद ही आपको अप्लाई करना है, पहले आपको अप्लाई नहीं करना। बात है दोस्तों जी, आप किसी भी कंपनी का पेट्रोल पंप या फिर सीएनजी पंप लगाना चाहते हैं तो इसके अंदर कंपनी किस प्रकार से आपको प्रॉफिट मार्जिन देगी? तो दोस्तों आपको बता दे, पेट्रोल डीजल के ऊपर तो प्रॉफिट मार्जिन हमने आपको पहले बताया है, जैसे ₹1.20 से ₹1.80, ₹2.40 ऐसे पेट्रोल और डीजल के ऊपर आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। लेकिन बात करें सीएनजी पंप की तो वहां प्रति किलो के हिसाब से आपको ₹2, ₹3 ऐसे अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। अलग अलग लोकेशन के हिसाब से आपको अलग अलग जगह के अलग अलग रेट मिलेंगे सीएनजी पंप के। दिल्ली साइड के अलग रेट है, हरियाणा के अलग रेट है और आपको पंजाब के अंदर अलग रेट मिलेंगे। ऐसे सीएनजी पंप के रेट के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है तो अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन आपको कंपनी द्वारा दिया जाता है। वैसे दोस्तों ईवी चार्जिंग स्टेशन के ऊपर भी दोस्तों कंपनी प्रति यूनिट के हिसाब से आपको अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन देगी। तो दोस्तों ऐसे अलग अलग चीज की प्रॉफिट मार्जिन कंपनी आपको तब समझाएगी जब आपको डीलरशिप दी जाएगी और आपकी जमीन के ऊपर पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश कराया जाएगा। यानी एग्रीमेंट से पहले आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और उसके बाद आप एग्रीमेंट होगा और तभी आप कंपनी के साथ मिलकर अपना एक अच्छा पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश कर पाएंगे। अब बात है दोस्तों आप किसी कंपनी का पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करेंगे या फिर सीएनजी पंप एस्टैब्लिश करेंगे तो कंपनी क्या क्या सपोर्ट करेगी? तो दोस्तों आपको बता दें, कोई भी कंपनी हो सब जगह सपोर्ट करती है। कंपनी आपके स्टाफ को ट्रेनिंग भी देगी, कंपनी स्टाफ को सैलरी भी देगी, कंपनी आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर, मार्केटिंग के अंदर सपोर्ट करेगी, कंपनी आपको कोई भी टेक्निकल दिक्कत आएगी उसके अंदर सपोर्ट करेगी, आपको टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करेगी और इसके बाद बहुत सारी चीजें होती है जो कंपनी आपको सपोर्ट करेगी। क्योंकि दोस्तों कंपनी को अपना पेट्रोल पंप चलाना होता है तो कंपनी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ प्रॉपर हेल्प के साथ आपको सपोर्ट करेगी जिससे आप अपना पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप और आपका ईवी चार्जिंग स्टेशन अच्छे से रन कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो जब भी कंपनी आपसे एग्रीमेंट करेगी तो आपको बता देगी कि इस चीज में आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन हमने आपको मोटा मोटा बता दिया, कंपनी ये चीजें तो आपको पक्की करेगी जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से कंपनी का पेट्रोल पंप चला पाए। और दोस्तों आपको बता दें, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिसका सपना होता है कि वह पेट्रोल डीजल के अंदर बिजनेस करे या फिर अपना पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करे और उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो कंपनियों ने अब एक डोर स्टेप का तरीका अपनाया है जिसके अंदर यदि आपके पास अपना व्हीकल है खुद का तो आप कंपनी के साथ जुड़कर पेट्रोल डीजल का बिजनेस कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। कुछ कंपनी है जो इसके लिए डीलरशिप फ्री भी दे देती है लेकिन कुछ कंपनियां फीस लेती है। तो आपके पास व्हीकल है तो आप 5-10 लाख-20 लाख तक अपना एक अच्छा डोर स्टेप पेट्रोल डीजल का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों कंपनी आपके व्हीकल के ऊपर एक अच्छा टैंक लोड करेगी जिसके अंदर अपना खुद का पेट्रोल और डीजल प्रोवाइड करेगी और फिर आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हो गया या फिर बड़ी बड़ी सोसाइटी हो गई, बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट हो गई, उनको आप पेट्रोल और डीजल की डिलीवरी देंगे। क्योंकि दोस्तों
उनके बहुत ज्यादा डीजल और पेट्रोल की खपत होती है, तो वो डेली पेट्रोल पंप के ऊपर चक्कर नहीं लगाते, इसलिए उनको वहीं फैसिलिटी अवेलेबल करवानी पड़ती है। तो कंपनी आपको एक अच्छा तरीका दे रही है, यदि आप किसी भी कंपनी के साथ मिलकर, या फिर यानी जियो बीपी होगी, इंडियन ऑयल होगी, एचपी होगी, बीपीसीएल होगी, नेयरा एनर्जी होगी, सभी कंपनियां आजकल ये ट्रेंड चला रही है। और यदि आपके पास व्हीकल है तो आप कंपनी के साथ जुड़कर अपना एक अच्छा पेट्रोल और डीजल का बिजनेस कम से कम 10 से 15 लाख या फिर 20 लाख के बीच स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा बिजनेस सेटअप करके पेट्रोल और डीजल अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ऐसे आप थोड़े पैसे के अंदर भी पेट्रोल और डीजल का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। यदि आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो आप ज्यादा पैसे लगाकर भी अपना बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने आपको दोनों तरीके बता दिए, थोड़े पैसे है तो आप थोड़े पैसे वाला बिजनेस स्टार्ट करें, ज्यादा पैसे है तो आप ज्यादा पैसे वाला बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप अपना एक कॉम्बो लगा सकते हैं, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप या फिर ईवी चार्जिंग स्टेशन का, और अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और यदि आपके इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब